एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का दिन है, बज रहे हैं 9 और ऋषभ की एक क्लास हो गई है। जैसी क्लास खत्म हुई वैसे मोबाइल लेके बैठ गया ऋषभ। और अनाया कर रही है कलर। ओके, और अनाया कर रही है कलर। अनाया कलर करना बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी हो रही है चाय गर्म। हाँ चलो, तो अब क्लास चालू करेंगे और इस मोबाइल में भी क्लास चालू होगी। तो यहाँ पे बच्चों की क्लास फिनिश हो गई है। सैटरडे वैसे भी ज़्यादा क्लास नहीं रहती है और बच्चे इसका तो मोबाइल ही नहीं बंद होता है। ऋषभ रुको नहीं, अब बेटा मोबाइल देखो। और ये अनाया कल बहुत ज़्यादा मस्ती की और उसका आ रहा है पेपा पिग। और अभी मेरा आज थोड़ा सा ठीक, गले में ठीक है लेकिन आज जुकाम हो गया है। और मेरे बर्तन पड़े हैं अभी ऐसी तो। और डिस्ने आ रही थी कल, पूरे दिन नहीं आई, लेकिन वही बेवकूफ़ी वाला काम हो गया उसका। पीछे से जो ये सेटअप बॉक्स का जो बॉक्स होता है ना, उसका प्लक ही नहीं लगा था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और हमने कल पूरे दिन प्लक नहीं लगाया, पूरे दिन टीवी नहीं चली। अभी डिस वाले आए, उसको फ़ोन किया 2 बार तो वो डिस वाले आए और उन्होंने बोला कि आपने तो प्लक ही नहीं लगा रखा है तो टीवी कहाँ से चलेगी। तो बोले कि फिर उनको सॉरी बोला, उनका ध्यान नहीं दिया। तो बोले ध्यान रखा करिए ना। बेचारे दोनों सुबह सुबह आए और आके बस उन्होंने टीवी को जस्ट देखा ही है और उन्होंने कहा कि प्लग तो आपका लगा ही नहीं है। वो एक्चुअली क्या टीवी के बैक में प्लग लगता है ना, तो पता नहीं चलता है। और मैंने वहाँ पे फ्लावर पॉट रख रखे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये मैंने यहाँ रखा हुआ था, इसको हटाया ना तो ये वाला प्लग नहीं लगा हुआ था, ये वाला, ये जो ये है। और जैसे ये लगा दिया वैसे डेस आ गई। ऐसे बेवकूफ़ी वाले काम होते हैं। तो अभी मैं अपना पहले किचन क्लीन करूं और अच्छे से झाड़ लगाऊं। और मुझे आज धोने हैं थोड़े से गेहूं दलिया बनाने के लिए। तो आज धूप, पहले मैं धूप का वेट कर रही थी, धूप तो निकल आई है। तो यहीं पे बर्तन धुल लेती हूं और यहीं पे थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, ये डब्बे में रखे हुए हैं मेरे, ये इनको धुलना है। क्योंकि मैं दलिया घर पर बना लेती हूँ, रेडीमेड वाला मुझे कम अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पर अच्छा नहीं मिलता है। अदरवाइज़ यूपी में तो उधर तो मिल जाता है बना बनाया, यहाँ पे मिलता है पर वो पता नहीं अजीब ही होता है तो मुझे कम पसंद आता है। और कल मैंने दलिया बनाया था ना, बहुत टेस्टी बना था। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी और बनाना, तो मैंने उतना ही पीसा था। तो अभी सोच रही हूँ आज गेहूँ धुल के डाल देती हूँ, धूप भी है और हवा भी चल रही है तो सूख जाएंगे। और उसके बाद फिर पूरा इकट्ठे बना के एक बॉक्स में भर के रख लूँगी बच्चों के खाने के लिए। सुबह सुबह नाश्ते में दलिया है कुछ, मतलब ऐसा बना दूँगी। बच्चों को भी पसंद लगता है तो दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो मैं पहले अपना किचन क्लीन करूँ, बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा है, पूरा घर मतलब मैसी है, इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपको बाद में। ऊपर आई हूँ, मैंने धो लिए हैं गेहूँ, थोड़े से थे तो ये पन्नी पे रख के लाई हूँ। और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, कहीं मेरे गेहूँ ना उड़ जाए। कहाँ पे डालूँ वो देखती हूँ, ऐसी जगह डालती हूँ जहाँ धूप ज़्यादा लगे और हवा को, हवा किस साइड से चल रही है, इधर से चल रही है, इधर से चल रही है। तो ऊपर आके मैंने डाल दिए हैं और धूप तो बहुत तेज़ है बट बादल हो जाता है तो यहाँ पे सूखेंगे उतने सूख जाएंगे। मेरी टोकरी उड़ गई मेरे, और एक दोबारा और चक्कर लगाऊंगी उसके बाद फिर उठा लूँगी। वैसे सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे तो कल दोबारा डाल दूँगी। कल तो संडे है और अब मैं जा रही हूँ नीचे, थक गए। से शाम हो गई है और हम आ गए बाज़ार से, मतलब थोड़ा सामान लेना था, काजू वगैरह। कहीं मैंने बैग खोला नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, वो रखा है वहाँ पे। थोड़ा सा थक गई हूँ और सीनू अनायक लाई थी खींचू, लोग खींचू खा रहे हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अनाया को ये सब खाने में थोड़ा सा ड्रामा करता है पर आज वो भी खा रहा है गरम गरम, चावल के आटे का होता है। फर्स्ट टाइम मैंने खाया था, मुझे तब थोड़ा अच्छा लगा था। तो मैं कभी भी अगर उस साइड जाती हूँ तो खींचू जरूर खाती हूँ, और एक खींचू अनायक लिए पैक करा कराती हूँ तो वो खा रही है क्या ये। और अब मैं थोड़ा सा 7 बज गए शाम के, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा खाना बना लूँ और सब्जी वगैरह लेके आई हूँ। और कल है संडे तो, और उसके लिए मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है। तो अभी मैं घर में पूजा कर रहे हैं, अभी मैं कहेंगे मोबाइल में लग गया पूजा तो कर रहे हैं। तो उनका काम है वाकई पूजा कर रहे हैं और मैं बनाती हूँ खाना क्योंकि उनको भूख लगी होगी। और बच्चे तो अभी नाश्ता कर रहे हैं, मैं तो एक खा के आई हूँ तो मुझे इतनी लगी नहीं है, कभी पहले मैं खाना बना लेती हूँ। तो अभी मैंने सामान सब निकाल लिया, मिलाई थी धनिया है और इसमें तो गुड़ है, और ये बादाम लेके आई, फिर ये सॉरी काजू और ये बादाम देख रहे हैं आपको।
टमाटर और अभी मैंने आधी सब्जी निकाली है इसमें से। बाहर क्या हो रहा है, ये लोग झगड़ा करते रहते हैं। और अदरक थोड़ी सी ख़त्म होने आई थी तो मैं ये अदरक लेके आई थी 500 ग्राम। सब्जी वगैरह में सब में डालती हूँ। और फ्लावर मतलब फूल गोभी काफ़ी टाइम से नहीं बना था तो आज लेके आई मैं फूल गोभी। और इसका कल बनाऊंगी, देखो क्या बनाती हूँ मैं। तो मतलब शाम को ये सब लेने गए थे, ख़त्म हो गया था। और इसमें बन रहा है हमारा, सीटी आ गई तो मैंने कहा चलो, तो थैला हो गया है खाली, अब उसको उठा के रख दूंगी। तो थोड़ा वो सामान होता है वो हम जाके शाम के टाइम ले आते हैं। और साथ में सब्जी भी लिया है, किराने का भी सब खत्म हो गया था। काजू वगैरह कुछ मतलब हलवा वगैरह बनाओ या खीर वगैरह बनाओ डालो तो अच्छा लगता है। कभी कभी सब्जी की ग्रेवी जैसे बनाते हैं तो उसमें भी मैं मिक्स करती हूँ काजू और बादाम दोनों। वो सीटी आ गई तो मिक्स करके डाल देती हूँ तो अच्छा लगता है काफ़ी। और आज तेल डाला है सर में तो कैसे चिपकू चिपकू सी लग रही हूँ। तो और ये सुबह के लिए डाल दिए हैं लगता है इन्होंने, ये सुबह के लिए डाल दिया है। तो अभी मेरा खाना बनके रेडी है तो अब हम खाएंगे खाना। और उधर चल रही है फ़ोन पे बात, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।